अर्जुन महाराज पांडु एवं रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। ये महाभारत के मुख्य पात्र में से एक व द्रोणाचार्य के शिष्य थे। इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा था, जिस कारण अर्जुन पार्थ भी कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, परंतु इसके पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हुई और वे पुनः जीवित हुए, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महायोद्धा अर्जुन से जुड़ी इस पूरी कहानी के बारे में बताएं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के उपरांत एक दिन महर्षि वेदव्यास जी और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे जाते। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ, यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। इस तरह विभिन्न देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जन्मेजय, मणिपुर नरेश बभ्रुवाहन ने जब सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ उनके दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आया देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर उसका आदर नहीं किया। उस समय धर्मात्मा अर्जुन कुछ कुपित होकर बोले, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता? तुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि युद्ध के लिए आए हुए मेरा स्वागत सत्कार तू सामनीति से कर रहा है। तूने संसार में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझे शांतिपूर्वक साथ लेने के लिए चेष्टा कर रहा है। दुर्बुद्धि नराधम, यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था। पतिदेव अर्जुन जब अपने पुत्र बभ्रुवाहन से ऐसी बात कह रहे थे, उस समय नाग कन्या उलूपी उस बात को सुनकर उनके अभिप्राय को जान गई और उनके द्वारा किए गए पुत्र के तिरस्कार को सहन न कर सकने के कारण वह धरती छेद कर वहां चली आई। उसने देखा कि पुत्र बभ्रुवाहन नीचे मुंह किए किसी सोच विचार में पड़ा हुआ है और युधार्थी पिता उसे बारम्बार डांट फटकार रहे हैं। तब मनोहर अंगों वाली नाग कन्या उलूपी धर्म निपुण बभ्रुवाहन के पास आकर यह धर्मसम्मत बात बोली, बेटा तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी विमाता नाग कन्या उलूपी हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले हैं, अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो, ऐसा करने से ये तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। भरत श्रेष्ठ, माता के द्वारा इस प्रकार अमर्ष दिलाए जाने पर महातेजस्वी राजा बभ्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया। स्वर्णमय कवच पहनकर तेजस्वी शिरस्त्राण टोप धारण करके वह सैकड़ों तरकसों से भरे हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ में सब प्रकार की युद्ध सामग्री सजाकर रखी गई थी। मन के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे, चक्र और अन्य आवश्यक सामान भी प्रस्तुत थे। सोने के भांड उसकी शोभा बढ़ाते थे। उस पर सिंह के चिन्हों वाली ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। उस परम पूजित उत्तम रथ पर सवार हो श्रीमान राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। पार्थ द्वारा सुरक्षित उस यज्ञ संबंधी अश्व के पास जाकर उस वीर ने अश्व शिक्षा विशारद पुरुषों द्वारा उसे पकड़वा लिया। घोड़े को पकड़ा गया देख अर्जुन मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। यद्यपि वे भूमि पर खड़े थे तो भी रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बभ्रुवाहन ने वहां अपने वीर पिता को विषैले सांपों के समान जहरीले और तेज किए हुए सैकड़ों बाण समूहों द्वारा बींध कर अनेक बार पीड़ित किया। वे पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे। उन दोनों का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था, उसकी इस जगत में कहीं भी तुलना नहीं थी।
बभ्रुवाहन ने हंसते हंसते पुरुष सिंह अर्जुन के गले की हंसली में झुकी हुई गांठ वाले एक बाण द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जैसे सांप बांबी में घुस जाता है, उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित घुस गया और उसे छेदकर पृथ्वी में समा गया। इससे अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। बुद्धिमान अर्जुन अपने उत्तम धनुष का सहारा लेकर दिव्य तेज में स्थित हो मुर्दे के समान हो गए। थोड़ी देर बाद होश में आने पर महातेजस्वी पुरुष प्रवर इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने पुत्र की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महाबाहु चित्रांगदा कुमार, तुम हे साधुवाद वत्स, तुम धन्य हो। पुत्र, तुम्हारे योग्य पराक्रम देखकर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अच्छा बेटा, अब मैं तुम पर बाण छोड़ता हूँ, तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ। ऐसा कहकर शत्रु सूदन अर्जुन ने बभ्रुवाहन पर नाराचों की वर्षा आरंभ कर दी। परंतु राजा बभ्रुवाहन ने गांडीव धनुष से छूटे हुए वज्र और बिजली के समान जेतस्वी उन समस्त नाराचों को अपने भल्लों द्वारा मारकर प्रत्येक दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। तब पांडुपुत्र अर्जुन ने हंसते हुए से अपने क्षूर नामक दिव्य बाणों द्वारा बभ्रुवाहन के रथ से सुनहरे तालवृक्ष के समान ऊंची सुवर्ण भूषित ध्वजा काट गिराए। शत्रु दमन नरेश, साथ ही उन्होंने उसके महान वेगशाली विशालकाय घोड़ों के भी प्राण ले लिए। तब रथ से उतरकर परम क्रोधी राजा बभ्रुवाहन कुपित हो पैदल ही अपने पिता पांडुपुत्र अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। कुंती पुत्रों में श्रेष्ठ इंद्र कुमार अर्जुन अपने बेटे के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए वे उसे अधिक पीड़ा नहीं देते थे। बलवान बभ्रुवाहन पिता को युद्ध से विरत मानकर विषधर सर्पों के समान विषैले बाणों द्वारा उन्हें पुनः पीड़ा देने लगा। उसने बालोचित अविवेक के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही सुंदर पांख वाले एक तीखे बाण द्वारा पिता की छाती में एक गहरा आघात किया। वह अत्यंत दुखदायी बाण पांडुपुत्र अर्जुन के मर्म स्थल को विदीर्ण करके भीतर घुस गया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बभ्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था, वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय बभ्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बभ्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं तो उसने संजीवन मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु एक प्रकार के देवता आपको श्राप देना चाहते थे। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है, यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बभ्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को अश्वमेध यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए।